दुबई। तो ये कुछ मॉल का व्यू। तो ये रहा जेब्रा। तो यही था कुछ सफ़र इंदौर का। अब इंदौर से जा रहा हूँ मैं दिल्ली। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और उज्जैन का आपने व्लॉग देखा है मंदिर का, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं इंदौर की सड़क से। तो सीरीज 3 है इंदौर की आज। और ये रहे हमारे जीजू जी। हाय। और आज टाइम निकाल के ये मेरे को लेके जा रहे हैं घुमाने। तो इनको फ़ोन ही बताते हैं। और इस तरफ है इनका पूरा ये नहीं मेरा शोरूम। ये तो चलते वाली तरफ। यह कुछ ट्रैफिक इंदौर का। 15 मिनट हो गए खड़े हुए। वो रेड लाइट थी, अभी तक हुई नहीं क्रॉस। जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं हम? फिनिक्स मॉल। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल फिनिक्स मॉल। इंडिया का नहीं, इंदौर का था। इंदौर का बहुत बड़ा बड़ा नहीं, इंदौर का सबसे बड़ा। तुम बैंस कर लो पहले, चल डिसाइड कर लो पहले। डिसाइड कर लो भाई, डिसाइड हो चुका है। क्या कहाँ जा रहे हैं? हमें कुछ जेब्रा देखना था यार। जेब्रा देखने पहले बताओ कहाँ जा रहे हैं। मेरा एम है आज जेब्रा देखना। जा रहे कहाँ पहले बताओ? अभी देखे जू तरफ देखते हैं। आज तो बंद है जू, बोला नहीं जू बंद है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिनिक्स मॉल पे। ये याद रखते हैं, जीवन जीवन याद रखना है, ठीक है? जीवन और जी इस साइड जीवन है, जीवन यहाँ रखना, ठीक है? जीवन पिलर है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। 50 फीट गहराई में है हम। जमीन तो 50 फीट नहीं, 100 फीट गहराई में। 100 फीट है, 100 फीट गहराई में। डिसाइड कर लो। अरे पानी निकल गया जमीन में से, पानी पूछ लिया। चलो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है आगे। इस मॉल का पूरा मैप दे दिया है, आपको कहाँ जाना है, कौन सा कहाँ पर, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए। गेमिंग जोन का है, गेमिंग जोन ही है। तो गेमिंग जोन, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट तो एरिया। तो अपन को कितू जाना है? अरे खाना कितू जाना, पहाड़ी हो गया। हाँ कितू जाना। चल चलते हैं, देखते हैं आगे। छोड़ो आगे तो होगा मैं। तो ये है कुछ व्यू अंदर का। तो क्या क्या स्मार्ट बाजार रिलायंस भी है यहाँ पे। स्टाइल अप मेट्रो दुबई। तो ये है कुछ मॉल का व्यू। इंदौर का सबसे बड़ा मॉल है ये। तो मेरे को बोला था जाने के लिए, तो आज यहाँ भी आ गए। तो इनको टाइम नहीं होता है। आपका फ़ोटो देता हूँ, मेरे को यहाँ देखो, देखने लायक तो है, बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। शुरुआत है अभी, आज पूरा व्लॉग यही बनाएंगे। लो पकड़ो बोलो। क्या क्या बोलना है, क्या हुआ? वफल वफल नहीं खाऊंगा, आगे खाएंगे कुछ। गोल्ड मैन हाथ भी है इसका रखा हुआ। आज का दूसरा दिन, कल ब्लॉग बनाया था लेकिन थोड़ा छोटा ब्लॉग बना था मॉल का। तो मॉल में दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो आज आए हम इंदौर के चिड़ियाघर। तो ये है यहाँ का चिड़ियाघर का व्यू। अभी टिकट ले रहे हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ। और ये रहा सो फाउंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाउंटेन बोलते हैं शायद, फाउंटेन है ये। तो कुछ दिख रहा तो है नहीं, अभी धूप बहुत है। तो आपको अंदर दिखाता हूँ इधर क्या क्या है, जो नया होगा वही दिखाऊंगा। तो अब चलता हूँ आगे की तरफ। यह है कुछ आते ही व्यू। धूप बहुत है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना वीडियो से। और ये हैं हमारे अंकल जी, इंदौर के रजनीकांत हैं ये। तो ये घुमाने लेके आया आज मुझे, क्योंकि जीजू को टाइम होता नहीं है। तो ये पूरे अपनी तरह घूमते रहते हैं, पूरा मज़ा लेते ज़िंदगी का। तो ये कुछ मीर कैट और जाला बहुत ये है, दिख रहा कुछ नहीं अंदर। ये आया, ये है मीर कैट, इसको जूम करता हूँ थोड़ा। ये तो ऐसे लग रहा है नेबला है, धारीदार लकड़बग्गा। जिसने लकड़बग्गा ने देखा भाई, देख लो ये लकड़बग्गा बैठा हुआ। ये तो धूप बहुत अब नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सोया आराम से धूप में,
का बुखार है तो ये सोया है। ये है ग्रीन, ये था ग्रीन इगुआना, ये तो मेरे को छिपकली लग रही है लेकिन बड़ी है। चलते हैं आगे देखते हैं कुछ और दिखाने को मिलता है तो बड़ी है सा। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, उस साइड भी है कुछ, देख के आता हूँ क्या है। अगली पेशकश है ये क्या, अब ये मेरे को लग रहा है ये वो होगा ना, क्या बोलते हैं शतुरमुर्ग। हाँ ये शतुरमुर्ग है, इसको जूम करते थोड़ा दे। ये कुछ शतुरमुर्ग, बहुत कुछ है आगे दिखाएंगे कुछ और। ये जो आपने देखा भी ये था स्पेनिश का बंदर, और इस तरफ भी है कुछ आगे है तो बहुत बड़ा, मेन मेन आइटम दिखाएंगे। तो ये रहा स्नेक हाउस, अब देखेंगे सांप कहाँ है। सांप कहाँ है, यहाँ तो आएगा ही नहीं, मैं ढूंढता हूँ पहले फिर दिखाता हूँ। अरे मिल गया, किंग कोबरा है, तो ये सोया किंग कोबरा। शीशे लगाए ना, इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, दिख रहा कुछ नहीं है ऊपर से है। यह रहा किंग कोबरा, एक ये रहा, ये किंग कोबरा है, नहीं ये है बर्मीज पाइथन, ये वाइट कलर का है, सोया पर ये सारे सोए हैं, दोपहर के टाइम है, सोने के टाइम है इनका। कॉमन सैंड बोआ पर है नहीं, कॉमन सैंड बोआ मर गया शायद। तो ये है बेंडेड क्रेट, बेंडेड क्रेट क्रेट बोलते हैं क्रेट, अच्छा सही है, सारे सोए हुए हैं। इनको खाना वाना कैसे देते होंगे, ऊपर से देते होंगे खाना ना। ये सोया है, दो ये रहे, ये है चिकोड़ा, इसको बोल देंगे हम, एक वो है क्या बोलते हैं, ये है कील ब्लैक, इसको बोलते हैं कील ब्लैक सॉन्ग। ब्लर हो गया इसको थोड़ा सा, ये दोनों सोए पानी में। पहाड़ी लैंग्वेज डिन है, ये है डिन है, ये है और एक डीना ये रहा अपनी डीना, ये सांप है, ये है बैंडेड रेसर। ये आ रहा है भाई मिलने, ये जा रहा ऊपर, बहुत बड़ा, कम से कम ये होगा 10 फुट, कम से कम 10 फुट का सांप है। ये है एनाकोंडा, लेकिन ये बीच में दिखेगा नहीं, जूम करता हूँ शायद दिखे मेरे को कैमरे में, तो मेरे को दिख रहा आपको, मैं दिखेगा इसको छोड़ो। नेक्स्ट आइटम ये है, नेक्स्ट आइटम इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये सोया बीच में। ये रहा सबसे खूबसूरत सांप, इसको बोलते हैं, इसका नाम है जालीदार पाइथन, रेटिकल क्रेटेड पाइथन। तो ये रहा हमारा रेटिकुलेटेड पाइथन। तो ये कुछ देख लो, काले गिद्ध देखोगे, ये है सफ़ेद गिद्ध, तो ये सफ़ेद गिद्ध देख लो साथ में काला बैठा हुआ है। थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाऊंगा, सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये भी है कुछ सिल्वर फिस्टन, फिस्टन होगा फिस्टन, PHSTN कुछ ऐसा ही है। ये रहा कुछ व्यू इसका, ये है वाइट पीकॉक, तो हिमाचल में तो होता नहीं है, मैंने भी यही देखा वाइट पीकॉक, तो यहाँ पे देख लो वाइट पीकॉक।
ये है अब एलिगेटर, अब वो एलिगेटर, ये एलिगेटर को एक पता है मेरे हिसाब से क्रोकोडाइल है ये, तो एक ये और एक ये सोया है। इसको पूरा जूम करके देखते हैं क्या कर रहा है। ये है कुछ और एक ये सोया, इसके अंदर तो है नहीं पानी में कुछ भी, तो अब खुद कर लेना कि वो एलिगेटर है एक क्रोकोडाइल है, इन दोनों से कोई ना कोई तो है ही। वो भी है, वो भी सोया है आराम से। आइटम है पत्नी क्या हिरन है शायद, मेरे को तो वो लग रही है जो हमारे वहाँ होती है नील गाय, उसका पत्नी क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, तुम खुद ट्रांसलेट कर लेना, सारे बच्चे भी हैं दो तीन इसके। दिखाने को तो बहुत कुछ है लेकिन जो जो मेन होगा वही दिखाएंगे ना, आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना अपना करेंगे, इसलिए जो जो दिखाने लायक होगा उसको दिखाएंगे। ये रहा बड़े बिल्ली का पिंजरा, मतलब ये है शेर का पिंजरा। अब चलते हैं आगे, शेर दिखाते हैं आपको, बनाया तो बहुत बड़ी है इन्होंने। ये रहा भाई टाइगर, ये पूरा घूम रहा गोल गोल। ये भाई टाइगर, इसको जूम करते हैं थोड़ा। ये रहा टाइगर, ये खुद ही वीडियो बनाने आ गया, वहाँ से देख क्या है हमें, बहुत बड़ा है। ये बैठा है लोइन, लेकिन ये दूर बहुत है तो थोड़ा, ये आया एक, आ रहा है एक, देखिए आ रही, खुद आ रहा है फोटो लेने, इसको पता वीडियो बन रही है, बैठ गया, पोस्ट दे रहा है, पोस्ट दे रहा है। ये बैठी है फैमिली, तीनों बैठे हैं लेकिन ये थोड़ा दूर है, बहुत दूर है यहाँ से तो। ये रहा जंगली हाथी, तो वो बैठ के आते हैं तो वो मारते नहीं, और ये तो इनके पास जाएंगे मार देंगे, बहुत बड़ा है ये, पीछे पेड़ के आ रहा नहीं आगे, कम से कम इसकी हाइट होगी कम से कम 20 फुट। ये रहा, ये आया, ये कर रहा है, बुला रहा किसी को। ये रहा, इससे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, जो ये बंदला के पहाड़ होंगे उनसे उनको पक्का मिला होगा कभी ना कभी ये। और जो बाहर से देख रहे हैं उनको बता दूं ये है बेयर, भालू हमारे पास बहुत होता है, इतनी सामने से मैंने पहली बार देखा। तो ये रहा जेब्रा, ड्राई घोड़ा, तो इंडिया में ये सिर्फ इधर ही इंदौर में, मेरे हिसाब से कि इंदौर में है, इंडिया में कुछ ऐसी तो है कहानी। सफ़र इंदौर का, अब इंदौर से जा रहा हूँ मैं दिल्ली, अब दिल्ली जाना पड़ेगा, थोड़ा काम है दिल्ली के लिए, रुकना था लेकिन दो दिन, लेकिन मेरे को थोड़ा काम आगे जाना पड़ेगा। तो ये है आज की अपनी सफ़र स्लीपर बस, तो अभी अंदर चलते हैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे इस पे। ठीक है अंकल, जा रही है अभी अब। तो ये रही कुछ स्टार्टिंग, ये अपना टॉयलेट, नीचे
और ये है कुछ कॉकपिट बने हुए हैं। तो मेरा है S28 25 28, ये अपना 28। तो ये है कुछ फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो ये है कुछ बाहर का व्यू और सामान रखने के लिए भी है। लाइट जल्दी नहीं है, लाइट जल रही है अभी। एसी के वेंट हैं, लाइट जलेगी थोड़ी देर में। कंबल दिया हुआ है, एक पिल्लो हेडरेस्ट है और अपने लैपटॉप को रखने के लिए जगह दी हुई है ये। और ये रहा अपना चार्जिंग पॉइंट। तो ओवरऑल बहुत बड़ी बस है, सो के जाना है 6:30 की बोर्डिंग थी। तो दिल्ली पहुँचेंगे हम कोई 9:30 तक। 15 घंटे की ट्रैवलिंग होगी, तो 15 में से 13-14 घंटे लगेंगे इंदौर से दिल्ली। तो अब चलते हैं आगे तरफ। तो चलो अब चलते हैं आगे दिखाता हूँ, कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा आगे कुछ। चलते हैं आगे की तरफ। ये था कुछ इंदौर का सीरीज 3। तो मैंने 3-4 ब्लॉक को कट करके डाला हुआ है। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा कमेंट कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। और अब यही है दिल्ली का सफ़र, अब देखेंगे दिल्ली में टाइम होता नहीं है, दिल्ली में टाइम मिलेगा दिल्ली का ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन दिल्ली में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा बहुत वहाँ काम। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।